वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा प्लान बना लिया होगा एक फ़ोन लेने का, लेकिन अगर आपका बजट 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये। आज हम बात करेंगे मोटोरोला की पूरी स्मार्टफोन लिस्ट के बारे में, इनके जो प्राइस के साथ इनके स्मार्टफोन है उनमें से कौन से आपको लेना चाहिए। अगर आपका बजट 10 है 15 20 25 30, मोटोरोला के सभी फ़ोन इस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी की बात करेंगे आज इस वीडियो में, आप वीडियो को लाइक करते जाना। चलिए, बात करने से पहले हम आपको अपने फ्लिपकार्ट ऐप पर ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मोटो के सारे फोन्स किस तरीके से लाइन बाय लाइन आपको एक बढ़िया फीचर्स का बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं और कौन से फ़ोन में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं, अगर हम शुरुआत से शुरू होने पर हम आते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में। जो सेल अभी लाइव हो चुकी है उस पर मोटोरोला का ऑप्शन को खोल कर देखते हैं कि कहाँ से बात हो रही है। तो मोटोरोला के फ़ोन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर अल्टीमेट डील्स ऑफ द ईयर फ्रॉम मोटोरोला। मोटोरोला अभी HDFC बैंक पर आप ले सकते हैं फ़ोन और EMI ट्रांजेक्शन भी आप करा सकते हैं, साथ में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का भी आपको क्रेडिट कार्ड पर यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर 10,000 रुपये के लिस्ट में, तो 10,000 रुपये की लिस्ट से लेकर हमारे पास जो एक फ़ोन है मोटोरोला का, वैसे तो मोटोरोला 7,000 में भी फ़ोन दे रहा है, लेकिन हम कम से कम 10,000 रुपये में बात करेंगे 5G फ़ोन की। तो 10,000 रुपये में जो मोटोरोला का 5G फ़ोन है, मोटो का G45 5G, मोटोरोला का G45 5G, 128 GB वाला जो वेरियंट है, 4 GB रैम 128 GB वेरियंट, 10,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है। और अगर कार्ड डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कोई कार्ड डिस्काउंट यूज नहीं कर सकते हैं, पता नहीं क्यों यार 10,000 वाले पे कार्ड डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं। 10,000 रुपये में ये आपको एक बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया बैटरी और चार्जिंग सब कुछ एकदम ज़बरदस्त मिल रहा है। इस बजट में अगर बात करते हैं, स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 का प्रोसेसर है और 50 MP का कैमरा है, 16 MP की सेल्फी है और 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। 10,000 रुपये में मोटो G45 एक बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप 12,000 रुपये खर्च करते हैं तो इसका 256 GB वेरियंट्स को भी ले सकते हैं। अगर मोटोरोला के 15,000 रुपये की लिस्ट में बात करते हैं, वैसे तो मोटो बहुत सारे फोन मैंने आपको बताया बना रहा है, लेकिन 15,000 रुपये मुझे इनका जबरदस्त स्मार्टफोन लगा है जो कि थोड़ा सा पुराना है, मोटोरोला का G64 5G अभी तक तो 128 GB का वेरियंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अभी 15,000 रुपये की प्राइसिंग में 256 GB वाला वेरियंट यहाँ पर मोटो का, जो कि 15 की प्राइसिंग है। और अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट और 1949 रुपये का EMI ट्रांजेक्शन पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा मोटोरोला के G64 5G में। और ये आपको 12 GB रैम 256 GB मेमोरी वाला बैरियर, चूँकि ज़बरदस्त क्वालिटी है, यहाँ पर आपको 7025 DMC का प्रोसेसर है, 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड है और 50 MP का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, Full HD डिस्प्ले और 6000 mAh की बैटरी है। तो ये फ़ोन 15,000 रुपये नीचे मोटो की तरफ से एक बेस्ट फ़ोन है, इसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं 15,000 के अंदर। अब बात करते हैं ऐसे फ़ोन की जहाँ पर आपको कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, चार्जिंग सब कुछ लाजवाब और ज़बरदस्त मिले। तो मोटो के दो फ़ोन्स यहाँ पर हैं, एक थोड़ा सस्ता है और एक थोड़ा महंगा है। वैसे मोटोरोला ने दो फ़ोन लॉन्च किए, उनमें एक तो 15,000 की प्राइसिंग में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी महंगा निकला है, वो है मोटोरोला का Z85 5G। ये 16,000 रुपये की प्राइसिंग में भी फ़ोन दिखा रहा है, 17,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है, 128 GB मेमोरी है और 16,000 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा कार्ड ऑफर के साथ। EMI पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट डबल हो जाता है EMI पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सस्ते फ़ोन में। और ये जो प्रोसेसर है ऑक्टाकोर 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड से आता है, 50 MP और 8 MP की सेल्फी है, सॉरी कैमरा है और 32 MP की सेल्फी है। पिछले वाले फ़ोन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सेल्फी थोड़ा ज़्यादा है, प्रोसेसर थोड़ा हल्का है और डिस्प्ले थोड़ी अच्छी है और बैटरी थोड़ी कम है। तो ओवरऑल कम ज़्यादा करके 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो मैं इस फ़ोन की तरफ थोड़ा सा कम जाना चाहूँगा, क्योंकि 20,000 रुपये अगर मेरा बजट है तो हम जाते हैं मोटो S50 Fusion, 21,000 रुपये की प्राइसिंग में, 128 GB वेरियंट के साथ आता है और इसमें 21,000 रुपये में आपको 8 GB रैम, 128 GB वेरियंट्स मेमोरी वाला देखने को मिल जाएगा, ऑक्टाकोर 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है, 50 MP का कैमरा, 13 MP का डुअल कैमरा, 32 MP की सेल्फी, एक ज़बरदस्त OLED डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये जो फ़ोन है इसका डिज़ाइन और लुक, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो व्यू है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मैंने चेकआउट किया है, तो आप इसको 20,000 रुपये की प्राइसिंग में चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इनके मोटो की तरफ से इनके 25,000 रुपीज़ की लिस्ट के नीचे कौन सा फ़ोन ज़बरदस्त है, तो वो है हमारा यहाँ पर दो फोन हैं, लगभग सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में।
मोटरोला का S50 Neo और मोटरोला का S50। अगर हम S50 Neo की बात करते हैं तो 24,000 रुपये इसकी प्राइसिंग लिस्टेड है, और अगर कार्ड ऑफर की बात करते हैं तो 1,000 रुपये कार्ड है ऑफर क्रेडिट कार्ड पर, और EMI पर 2,000 रुपये का है, और ये 23,000 रुपये का आपको पड़ेगा जाकर अगर आप EMI यहाँ पर दिखा रहे हैं ये लेते हैं, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफर्स भी हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो अगर इस प्राइसिंग में इनके फीचर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा हैवी प्रोसेसर, एक बेहतरीन 13 MP + 10 MP का कैमरा, 50 MP का फ्रियर में है ही, और 32 MP की सेल्फी। यहाँ पर थोड़ा बैटरी बैकअप कम है लेकिन चार्जिंग को इन्होंने बढ़ा दिया है, करीब 67-68 वाट का चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फ़ोन है मोटोरोला तब से 25,000 रुपये के नीचे एक बेहतरीन फ़ोन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है और 3000 निट्स की ब्राइटनेस भी है। मोटो एज 50 सेम इसी का आप थोड़ा अपर वर्जन कह सकते हैं, 27,000 रुपये की प्राइसिंग है, और इसके अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये आपको 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। ये स्नैपड्रैगन 7 Zen 1 के प्रोसेसर आता है, और इसमें आपको सेम 50+13+10 का कैमरा प्लस 32 की सेल्फी, और साथ में एक बेहतरीन 6.6 mAh PoE डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इनके मॉडल्स में, आप मॉडल्स देख सकते हैं, थोड़ा अलग अलग पैटर्न यहाँ पर है। तो उन्होंने बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर दिए, लगभग हर बजट में इनके फ़ोन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसका अगर हम कार डिस्काउंट साथ बात करते हैं तो 2,000 रुपये डिस्काउंट है, इसे आप 25,000 रुपये परचेस कर सकते हैं। मोटो की तरफ से एक बेहतरीन फोन है। और अगर बात करते हैं मोटोरोला का 30,000 के नीचे बजट का फोन, तो वो हमारा और कोई नहीं, लास्ट फोन है और मोटो की तरफ से एक जबरदस्त फोन है, मोटोरोला का S50 Pro 5G। जी हाँ, मोटो का S50 Pro अभी आपको 28,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, 30,000 रुपये इसकी प्राइसिंग लिस्टेड है, 28,000 में देखने को मिलेगा। 2.63 GHz का प्रोसेसर है यहाँ पर, और ये आता है 125 वाट फास्ट चार्जर के साथ, और यहाँ पर आपको 125 वाट फास्ट चार्जर, 12 GB RAM, 256 GB मेमोरी वाले वेरियंट्स में देखने को मिल जाएगा, और सेम कैमरा है लेकिन फ्रंट में आपको 50 MP का कैमरा मिलता है, और जो डिस्प्ले है वो HD 1.5K डिस्प्ले है, और 45 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 12 GB RAM है ही, तो आप अच्छे खासे फ़ोटोज़ को यहाँ पर ले सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो डील है मोटोरोला की तरफ से, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।